पूरा साल भर में आप टैल्कम पाउडर को यूज करो। मैं चीज बोलू, किसी को अगर पैर का दर्द है या पैर का जो स्मेल रहता है, डिफिकल्टी रहता है, आपके शूज में सॉक्स में डालो। अगर घर में बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे आज फंगस इन्फेक्शन से आ रहे, इफ यू रियलाइज दैट, बच्चे बोल रहे, उधर आप ये यूज कर सकते हो। टी ट्री क्रीम मैंने बोला है, इनहेलेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, या होम केयर के लिए सॉल्ट। टाटा ने तो हमको बता दिया कि हर घर में क्या चाहिए, नमक पहुंचना चाहिए, लेकिन कौन सा वाला नमक, जो आपके शरीर को, आपके जीवन को एनर्जी दे, ऐसा नमक चाहिए। सो बीएक्सएन हैज गिवन अस बेस्ट सॉल्ट। कितने लोग पिंक सॉल्ट यूज करते हैं? लेमन जी में पिंक सॉल्ट डाल के किसी ने पिया है? नहीं पिया है, ओके। घरी कलिंगड़ है तो त्याच्यावर पिंक सॉल्ट डाल के खाया? मैंने, मेरे फ्रेंड आई थी मॉरिशस से, तो उसने वहां के पेरू लाए थे, जो चाइनीज पेरू कहा जाता है, आप ऑनलाइन देख सकते हो। ऊपर का पेरू अपने जैसा ही है, लेकिन अंदर का बीज जैसा है ना, जूस रहता है और वो खट्टा मिट्टा रहता है, आप खा नहीं सकते, मुंह में डालना रहता है, वो फूट जाता है तो एकदम खट्टा मिट्टा हो जाता है। उसको कट करके मैंने पिंक सॉल्ट में डाल दिया और वो अपने इधर वी कैन हैव दैट, वहां के वो आइलैंड के लोगों को अच्छा लगता है। यू वोंट बिलीव, ये पिंक सॉल्ट डाल के मैंने वो पूरा जब मुंह में डाला तो इतना एंजॉय किया, वो जो मेरी फ्रेंड थी वो देखती रह गई, अरे चार पांच असिस खाऊं टकले, कि बोली एक दो भी खाने के लिए हम क्या करते हैं, हिम्मत नहीं होती, पचा सकते हैं कि नहीं, इसके अगर सर्दी खांसी कुछ होगा तो। आई डाइजेस्टेड बिकॉज ऑफ पिंक सॉल्ट। एक चिमटी भर नमक क्या गुल खिला सकता है, वो डॉक्टर लिंग ने हमको पिंक सॉल्ट देके दिखा दिया। आपको अगर ORS मतलब एक इमीडिएट एनर्जी चाहिए तो लेमन जी में पिंक सॉल्ट डाल के, आपका जो सलाड खा रहे हो उस पे पिंक सॉल्ट डाल दीजिए, आपके जो फ्रूट सुबह के खाते हो 12 बजे से पहले फ्रूट्स खाना जरूरी है सलाड, तो उसके ऊपर एक पिंक सॉल्ट लगा दो टिल 3 to 4 o'clock। अगर आप कुछ खाना भी नहीं खाओगे, ट्रस्ट मी, जो मिनरल लेवल आपको चाहिए वो अपग्रेड करके देगी, इट इज दैट गुड। और बीपी और जो भी आपके जो इश्यूज है, जो ब्लड सर्कुलेशन के रिलेटेड, वो पिंक सॉल्ट से आपको निकाल सकते हैं, एक सिंपल सॉल्यूशन फॉर दैट। स्पेशली जो अपर एज रहते हैं तो वो, उनको वो मजेदार खाना चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले खाया है लेकिन अभी नहीं खा सकते, तो उनको पिंक सॉल्ट से आप वो खाना बना के दे सकते हो। पूरा घर का जितना भी आपको जो रेसिपीज है वो पिंक सॉल्ट से बना सकते हो। यूटेंसिल क्लेंसिंग है जो लिमिटेड केमिकल चाहिए उसमें दिया हुआ है, अगेन अ क्लोथ वॉश है, द बेस्ट क्लोथ वॉश है आपके कपड़े के लिए भी। जितना भी यहाँ पे दिया है वो नेचुरल देने की कोशिश की है, जितना नेचुरल, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप नेचुरली, तो उसको नेचुरल सपोर्ट दिया गया है। बेवरेजेस मेरा वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है, सुबह की चाय, इट्स अ वेरी यू नो, एक वो सेंसिटिव पॉइंट रहता है, उठला नंतर पहला चाह पाइजे, उठला नंतर पहले एक कॉफी चाहिए, एक किक चाहिए, किक के बिना तो गाड़ी भी नहीं चलती। तो बेवरेज इज द पेय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव एन नंबर ऑफ बेवरेजेस विद अस। कोकोजी है, जी मौका है, 3-in-1 कॉफी है, ब्लैक कॉफी है, आपका कॉडिसेप कॉफी है। अगर बाहर निकलते हैं तो हम कितने लोग ढूंढे कुछ चाह मिलने का, अमृत फील है, प्रेमा चाचा, ऐसा चाह, तैसा चाह, हैची कॉफी, तैची, कितनी चीजें हैं, बिकॉज पीपल नो इट्स अ साइकोलॉजिकल मार्केट। आपको एक गर्म चीज की जरूरत है अ स्टार्ट ऑफ द डे। अगर आपको वो गर्म चीज नेचुरल दी गई आपको अच्छा लगेगा, एक गैनोडर्मा के साथ अपग्रेडेड दी गई बहुत अच्छा लगेगा, या दैट विल गिव अस द एक अपग्रेडेड एनर्जी देने के लिए मजा आएगा। कितने लोग ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर पीते हैं? ब्लैक कॉफी में कॉर्डिसेप ऐड करके पीते हैं, कोई है? ब्लैक में कॉर्डिसेप, या वेरी गुड, ब्लैक कॉफी इतनी,
और उसमें एक चम्मच कॉर्डिसेप, अगर आप पीते हो ब्लैक थोड़ी सी, और कॉर्डिसेप शुगर नहीं डालना है, घर पे जाके आज ट्राई करो या तो कल ट्राई करना। बूस्टिंग जो एनर्जी लेवल रहते हैं ना, बूस्टिंग एनर्जी लेवल, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, घर के जो काम आपने रखे हुए होते हैं ना वो भी निपटा दोगे, क्योंकि गैनोडर्मा और कॉर्डिसेप दोनों मशरूम की आपको उधर एनर्जी मिल जाती है। और याद रखो जो नेचुरली बूस्ट होता है वो मस्ट बूस्ट होता है। सो ट्राई करेंगे ब्लैक कॉफी एंड कॉर्डिसेप कॉफी। प्रोफेसर ने मला एकदा रेसिपी सांगितलेला एंड आई वॉज व्हेरी शॉक, मैं तो कभी इमेजिन भी नहीं की थी, मैं कॉर्डिसेप अलग से पीती थी, ब्लैक अलग से पीती थी, जब मैंने ऐड करना शुरू कर दिया तो माला मालूम किया, बिकॉज दैट वन कप गिव यू फैंटास्टिक एनर्जी, और स्पेशली अ पर्सन लाइक मी हु हैज अ एस्थमेटिक इश्यू। ये क्यों कहना चाहती हूं, व्हेन यू आर विद द ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, व्हेन यू आर एट द सराउंडिंग विद सीजन चेंज, व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, दिस इज अ एनर्जी ड्रिंक विच इज इमीडिएटली बूस्टिंग योर इम्यून सिस्टम, आपको लंग्स भी आपके अपग्रेड कर देते। मैंने जब लड़के को पिलाया उसके एग्जाम से पहले मैंने शुरू कर दिया, एंड ही इज कमिंग बैक इन टेलिंग मी पेपर अच्छे से मैं लिख पाया, दैट एनर्जी कुड बी जनरेटेड फास्टर, क्योंकि आपने दोनों दिग्गजों को एक साथ मिला दिया। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट बेवरेजेस, अगर रास्ते पे उतर आओ तो आपको रसाचं गुराळ पण दिसेल, चहा पण दिसेल, कॉफी पण दिसेल, हम ढूंढते रहते वो बेवरेजेस। सो दिस इज अ प्लॅटफॉर्म फॉर द डॉक्टर लीव ने वो प्लेटफॉर्म दिया, अगर आप आरजीजीएल 100%